नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में हेमा मालिनी पहुंची। मथुरा की लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी पहुंची गोवर्धन चौराहे के निकट मंगलम रिसोर्ट में, जहां नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में लिया भाग। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का किया जोरदार स्वागत। जिस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिला शक्ति को और सजग बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किया जा रहे हैं, उन्हीं की योजनाओं को पर प्रकाश डालते हुए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि आज महिला आगे निकल कर आ रही हैं। महिला सुरक्षा की बात करें तो मथुरा प्रशासन द्वारा मिशन शक्ति दीदी के तहत मथुरा में विभिन्न जगहों पर जागरूक कार्यक्रम किया जा रहे हैं। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। और देखा जाए तो पहले के मुताबिक सरकार के और आगे बीजेपी सरकार में महिलाओं के लिए क्या सुविधा? नहीं, महिलाओं के लिए सुविधा भी मिली है, जागरूक भी बहुत बहने हैं और इसी पे ही चल रही है। सारी बहनें बहुत जागरूक हैं, बहुत ही संघ ही एकता में मिलकर कार्य भी कर रही हैं और मिलके भी उनके लिए घर बैठे भी रोजगार दे रही हैं, दे रहे देने वाले बहुत, और घर बैठ के भी रोजगार कर रहे हैं, बहुत महिला जागरूक है। जैसे कि लॉकडाउन में मुक्ति राशन मिला था, मुफ्त में मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए थे, बहुत अच्छे, घर बैठे कोई भूखा नहीं रहा, सब झुके रहे थे। लॉकडाउन में भी कोई भी घर घर खाना पहुंचा था, राशन भी पहुंचाया था, घर घर पहुंचाया था उन्होंने, ट्रैक्टर के द्वारा, कोई किसी के द्वारा, कोई नाप के द्वारा, कोई भूखा नहीं रहा। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में तो मेरा नाम रश्मि चतुर्वेदी। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, यहाँ महिला शक्ति को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर महिलाओं, हमारी लोकप्रिय सांसद हेमा जी ने महिलाओं को संबोधित किया और बताया, उनको प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में बताया और उनको बताया कि उन्होंने खुद एक इस क्षेत्र में महिलाओं को अलग अलग रूपों में उन्होंने दिखाया कि मतलब मैंने क्या क्या, किन किन रूपों में मैंने कार्य किया है। तो महिलाओं से भी कहा कि आप लोगों को भी उसी तरीके से आगे बढ़ना है और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में भी महिलाओं को बताया। विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए, उनके ऊपर कहा कि महिलाओं को इतना छूट मिल रहा है, इतना कुछ वो काम आगे बढ़ सकते हैं, इतना किया है उन्होंने, उसका उन लोग उपयोग करें और अपने आप को शक्तिशाली हमेशा समझें और आगे बढ़े लाइफ में। मैडम, एक यहाँ एक पर्व होता है, यमदूतिया का बड़ा पर्व होता है। क्या यमदूतिया? भाई बहन का